हेलो फ्रेंड्स, और 11 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो ORL वर्सेस TRT का जो मैच है फुटबॉल का, अमेरिकन लीग, ओके, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप एकदम ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए, और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टीम में थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर है, ओके। अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं ज़रूर मैच के 1 आवर्स पहले आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर कुछ अपडेट करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे आइए टीम देख लेते हैं कि कौन सी टीम आपके लिए बेहतर होगा। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए इंजर्ड प्लेयर और जो प्लेइंग 11 हो सकते हैं दोनों टीमों के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। और जो प्लेयर डाउटफुल है उनका भी नाम वहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो प्लेइंग 11 हो सकते हैं उसके साथ ही आप टीम क्रिएट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे देता हूँ कि कौन से प्लेयर आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे जॉय बेंडिक, ओके, ये गोलकीपर में अगर आते हैं तो जॉय बेंडिक को आप ले सकते हो। बोनो आपके पास ऑप्शन है, ओके। तो जॉय बेंडिक को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग लेते रहेंगे, राइट। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो बोनो के साथ एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिफेंडर में मैंने यहाँ पे सने डरवेल एंड यहाँ पे जॉनसन और आउरो, राइट, ये 4 प्लेयर को लिया हूँ। बाकी प्लेयर जो 11 अगर लाइनअप भी आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। 5-10 मिनट पहले लाइनअप आते हैं, जहाँ तक होता है लाइनअप मिल नहीं पाता है, बट जो प्लेइंग 11 देता हो तो उसमें से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बाकी ऑप्शन जो मैंने आपको प्लेयर दिया हो। यहाँ पे आप मिडफील्डर में अगर देखते हो तो यहाँ पे कलजिस्टन, 10 क्रेडिट के हैं, मुलर और ओसरियो, सबकी नज़र यहाँ पे जोनाथन ओसरियो पर रहेगी, काफ़ी बेहतर प्लेयर है। मुलर भी अच्छे प्लेयर है, ओके। तो ये सब प्लेयर अच्छे हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हो। अगर आर्किटेक्सी 8.5 के हैं तो आप इनके, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, राइट। इनका जो ऑलरेडी जो 11 दिया हो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे आते हैं हम फॉरवर्ड के रूप में, फॉरवर्ड में देखिए यहाँ पे मेरम पे नज़र रहेगी, मेरम अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, और रिकेट्स 9 क्रेडिट के हैं तो इनके साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको गिविंग्सो के यहाँ पे जो है गिविंग को 11 क्रेडिट के, 11 क्रेडिट के जो हैं इनके वो बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इनको हार्म इंजरिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनका अभी फाइनल नहीं है वो खेलेंगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो 55% लोग ने इसको लिया है, राइट। तो यहाँ पे जैसा मुझे अभी तक जो न्यूज़ मिला है उसमें थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पर शाम तक या मैच से 1 आवर्स पहले या कुछ समय तक अगर मुझे मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई अपडेट हो तो वो मैं आप तक बता सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जैसे मैंने बोला जो ओशोरियो को सब पे नज़र रहेगा, और यहाँ पे मेरम जो अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे आप अगर चाहते हो तो इनको भी रख सकते हो रिकेट्स के साथ। और यहाँ पे फिर अगर यहाँ इनको रखना है तो वंडर वेल, तो ये ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है। तो आप अगर रिकॉर्ड भी चेक करना चाहते हो तो भी एक एक प्लेयर का आप चेक कर सकते हो, ठीक है, गूगल वगैरह में जाके, तो उस तरह से भी रख सकते हो। फिलहाल मैं तो यहाँ पे ओशोरियो और यहाँ पे मेरम को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ये दोनों को रखिए, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं। और अगर लाइनअप नया आता है तो मैं अपडेट कर दूँगा, फिर उसमें से रखिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और बाकी जो इंग्लैंड ODI कप है वो ऑलरेडी अपडेट हो गया है। सॉयर 11 चैनल पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे परफेक्ट आपको बताया गया है कि स्क्वाड क्या है, कौन से 11 हो सकते हैं, तो वो सारे वीडियो आप तक पहुँचाया गया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेव टीम करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं प्रीव्यू करके आप वहाँ पे स्नैप करके दिखाइए, तो ये स्नैप है, इस तरह से टीम बन रहा है। आपको जो प्लेइंग 11 वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है उसमें से आप चेंजेस करके बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।